Hello people, good morning and welcome back to another video. This is Janvi and I hope you're doing well. तो आज फिर से मैं हो गई हूँ तैयार. मैं हमेशा तैयार होकर ही आजकल शूट करती हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ, फिर इसलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट. तो ये मैंने आज ग्रे कलर वाला सूट पहना है और बस अभी मैं तैयार हूँ. अभी टाइम है हमारे पास, अभी 10:30 हुए हैं तो अभी निकलते हैं बस 5-10 मिनट में और चलते हैं नीचे जहाँ हमारी ड्राइविंग क्लास शुरू होगी. आज शायद हम टैंक रोड की तरफ आएंगे तो इसलिए मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि मुझे नहीं पता चढ़ाई में कैसे चलाई जाएगी और इधर को काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, तो लेट्स सी कैसा रहता है. और बाकी उसके बाद एज यूजुअल लाइब्रेरी का ही प्लान है और देखते हैं कुछ रास्ते में क्या बनता है. बाकी जो भी उसके बाद करेंगे ज़रूर देखिएगा. तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत. गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे, इट्स 9 AM राइट नाउ और मैं बस अभी अपनी चाय बनाने जा रही हूँ. चाय अपनी तैयार है, अब बस अपने लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए आज कड़ी बनी है और मैं इतनी खुश हो रही हूँ उसको देख के कि आज ब्रेकफास्ट में कड़ी मिलेगी. तो बस साथ में मैंने पैन रख दिया है, अब अपना सैंडविच बना लेती हूँ फॉर लंच. सो हियर आई एम मेकिंग द सैंडविच. कल वाली सेम रेसिपी है, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें इंटायर रेसिपी है. तो बस दूसरा पीस हमारा सेक रहे हैं यहाँ पे. जैसे ही थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा इसके ऊपर रख के इसको काट देंगे ट्राइंगल में. अपना लंच बढ़िया पैक हो गया, इसमें 3 to 4 1/2 सैंडविच है, अगर ज़्यादा भूख लगी तो ये खा लेंगे. तो चलिए अब चलते हैं, स्कूटी ऑन करते हैं. वो भी टाइम लगाती है, आजकल सर्दी आ रही है ना तो ऑन नहीं होती एकदम से, तो उसको भी थोड़ी देर गर्म करना पड़ता है फिर जाके वो चलती है. तो चलिए जल्दी से चलते हैं, स्कूटी ऑन करते हैं और पहुंचते हैं अपने स्टेशन पर. तो पहुंच गए हम कोटना लाला, स्कूटी हमने पार्क कर दी है, अब बस उनका वेट करना है. 11:05 है. टिल देन आई एम थिंकिंग कि मैं अपने शीट्स ले लेती हूँ. आज फिर से 11 बज गए और गाड़ी तो मुझे दिख नहीं रही है दूर दूर तक, फिर भी चलो वेट कर लेते हैं 5-10 मिनट, क्या पता आ जाए. नहीं तो वैसे अगर आज भी रोज की तरह लेट हो गया तो लाइब्रेरी में सीट तो नहीं मिलेगी. तो जैसे ही आज मैं लाइब्रेरी पहुंची, हमारे साथ बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ. हमें कहा गया कि अपनी चेयर्स उठा लीजिए, पोछा लगने वाला है. वेल दिस इज वेरी वियर्ड, आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि लाइब्रेरी खाली कर दी गई है. हम सबको कहा कि अपनी अपनी चेयर्स उठाकर ऊपर रख दो क्योंकि पोछा लग रहा है. तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि पोछा लगाने के लिए सबको अपनी चेयर उठानी पड़ती है. तो यस, इट्स अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर देम. तो अब पोछा लग गया है और हॉल एकदम खाली है. सबसे पहले मैंने ही एंटर किया है और एक और लड़की थी, वो तो दिख भी नहीं रही है, पीछे बैक साइड में होगा शायद उसकी सीट. इट्स क्वाइट वियर्ड, हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया था और चेयर्स भी सबके ऊपर, आप देख रहे हो कोई नहीं आया अभी. हमें और एक लड़की थी मेरे साथ, हम दोनों अंदर आ गए हैं कि अब सूख क्या होगा. तो चलिए पढ़ लेते हैं. Well, you know what? I drove from Tank Road today. It was a biggest achievement for me. Earning actually the biggest achievement for me. पहुंच गए हैं स्कूटी के पास. शाम हो गई है तो अब चलते हैं घर. Hi Shagur. तो आज मेरे घर पे बहुत क्यूट सी डॉल आई है देखो, और ये मेरी सब्सक्राइबर भी है और ये मेरे ब्लॉग्स भी देखती है. हाय, देखो तो सही हो, आप देख ही नहीं रहे हो कैमरे में, तो देखो. हेलो गाइस, हाय. तो कितनी क्यूट है, इसको शर्म आ रही है शायद अभी. चलो कोई बात नहीं. सो इट्स एक्चुअली
8 o'clock राइट नाउ, रात के वो भी, तो बस खाना खाना है अब. कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि घर पे गेस्ट आ रहे थे और फिर उनको सर्व करना था, तो उस सब में चला गया टाइम. बस बाकी आज का दिन बहुत बढ़िया था और मैंने आज टैंक रोड से चलाई है गाड़ी. और पता है पीपल, आज मेरी गाड़ी के आगे सांप आ गया था पर मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आई वॉज ड्राइविंग और फ़ोन पीछे बैग में था. फिर लिटरली रुकना पड़ा और ग्रीन कलर का, ब्राइट ग्रीन कलर का सांप था, यू नो. और मेरे जो सर थे जो गाड़ी सिखाते हैं, वो तो कह रहे थे कि अगर ये डस्ट लेगा तो नहीं बचा इंसान, मतलब जहर होता होगा उसमें. अब मुझे नहीं पता वो कौन सी ब्रीड थी, बट था सांप और यहीं था घर के पास, ज़्यादा दूर नहीं था. तो आज मैंने अपने घर वाले एरिया से लेके पूरा नीचे कोटला नाला और इनफैक्ट दूसरी साइड से ग्लानक वाले रोड से चलाया है, जो कि वो काफ़ी कंजस्टेड रोड है. तो पहली बार मैंने वहाँ से चलाई है गाड़ी, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है. बहुत अच्छी बात है ये, बहुत काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं वो सर, मुझे ऐसा लग रहा है. बट अभी कंट्रोल उनके पास भी होता है ना, जैसे जो हम लर्निंग उस पर सीखते हैं तो उनके पास भी क्लच और ब्रेक का होता है, मतलब एक्सेस, ठीक है. पर हम खुद से भी तो करते ही हैं ड्राइव. चलो अब देखते हैं कैसा होगा, अपनी गाड़ी में जब चलाऊँगी तब पता चलेगा कि कैसा चलाया जा रहा है कैसा नहीं. तो यस, अभी खाना खाते हैं. दादी ने बनाया है दाल के भटूरे, जो कि मंडियाली डिश है. वैसे अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको पता होगा कि मंडी में दाल के फिल्ड भटूरे बनते हैं. एक्चुअली बनते तो और भी पार्ट्स में हैं, बट वहाँ क्या बोलते हैं उससे मुझे ये नहीं पता. हमारे यहाँ तो उसे भटूरे ही बोलते हैं, ठीक है. तो वो मैं भी खाने जाऊँगी, अभी थोड़ा भूख तो है नहीं, थोड़ी देर में खाती हूँ. तो बस आज का दिन बहुत ही बढ़िया था. लाइब्रेरी में पोचा लग रहा था दिन में, तो लाइब्रेरी में दिन में पोचा लगा था और पहली बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला जहाँ पे हमें बीच में ही पढ़ते पढ़ते उठा दिया कि अपनी चेयर्स उठा लो. एंड आई वाज सो कंफ्यूज कि चेयर्स कहाँ को उठा लो. तो मैंने थोड़ी देर नोटिस किया कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ. फिर मैंने देखा कि अच्छा, चेयर उठाकर टेबल पर रखनी है, ओके ओके. फिर वैसे मैंने भी किया सेम और बस काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था उसमें. उसके बाद मैं काफ़ी देर तक रही वहाँ पे, मतलब मैंने आज काफ़ी देर यूटिलाइज़ करने के लिए जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ था उसको भी, उसकी भरपाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठी आज लाइब्रेरी में. तो यस, अब करते हैं व्लॉग को एंड. मिलते हैं आपसे कल एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.